नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं भारत आज। चलिए अब नजर डालते हैं आज दिन भर से जुड़ी टॉप 25 खबरों पर। जस्टिस चंद्रचूड़ बने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ, 10 नवंबर 2024 तक पद पर बने रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है। फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची जारी, भारत की सोमा मंडल, नमिता थापर और गजल अलग का नाम भी सूची में शामिल। नेपाल में साल का सबसे बड़ा भूकंप, 6.3 तीव्रता के भूकंप से दिल्ली NCR, उत्तराखंड समेत UP की राजधानी लखनऊ में भी तेज झटके। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे पिथौरगढ़ से 90 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ नेपाल में था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमले पर सियासत जारी, PM शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर की न्यायिक जांच की सिफारिश, कहा सुप्रीम कोर्ट के सभी मौजूदा जज हों शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को लगभग 5000 करोड़ रुपए की लागत से बने बेंगलोर के केपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बेंगलोर के संस्थापक केपेगोंडा की 108 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। कांग्रेस को राहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के आदेश पर लगाई रोक। भारत जोड़ो यात्रा के म्यूजिक में MRT म्यूजिक कंपनी के म्यूजिक के इस्तेमाल को लेकर बेंगलुरु की एक अदालत ने सोमवार को ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का दिया था निर्देश। चंडीगढ़ में धुएं की चादर, बीते मंगलवार प्रकाश उत्सव के दौरान जले पटाखों और पराली का धुआं आसमान में छाया, कुछ एरिया में एरिया क्वालिटी काफी खराब, मास्क लगाकर निकले लोग। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महापुरुषों पर की अभद्र टिप्पणी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस ने यति के खिलाफ की FIR दर्ज। एक कार्यक्रम में यति ने कहा था, जो आज मोदी जी कर रहे हैं अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने रचा इतिहास, अरुणा मिलर मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीती, मैरीलैंड गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला है अरुणा। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 15 विकेट लेने वाले श्रीलंका के लेग स्पिनर वानिदो हसरंगा दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज बने। बल्लेबाजों में 225 रनों के साथ भारत के सूर्य कुमार यादव शीर्ष पर कायम। अमेजन प्राइस वीडियो का मोबाइल एडिशन लॉन्च, 599 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 480 पिक्सल क्वालिटी में ही देख पाएंगे फिल्में और वेब सीरीज। कर्नाटक में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट में अजीबोगरीब मामला आया सामने, एक कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में सनी लियोन की बोल्ड फोटो छपी, तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। अब 2 मिनट में बन जाएंगे मतदाता, बिहार समेत 4 राज्यों के वोटर्स के लिए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च। 1 नवंबर से गोवा में शुरुआत के बाद 9 नवंबर से देश के 3 राज्यों बिहार, उत्तराखंड और असम में की जा रही है इसकी लॉन्चिंग। हरियाणा में टैक्स का सिस्टम बदलने की तैयारी, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला बोले, Module 1 से 2 में किया जाएगा बदलाव, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को छोड़कर रिसीवर गुड्स में हरियाणा सबसे आगे। 101 दिन के बाद शिवसेना सांसद राजा राउत को राहत, पात्रा चोल घोटाले में 3 महीने बाद मिली जमानत, 31 जुलाई को ED ने किया था गिरफ्तार। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक बागा ब्राड ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, विधानसभा के अध्यक्ष आचार्य देवव्रत को सौंपा इस्तीफा। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में सरस और क्राफ्ट मेले का होगा आयोजन, 29 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ठंड की दस्तक के बाद नवंबर में देश में कई हिस्सों में गर्मी, राजस्थान के सिरोही में 40 के पार पहुंचा पारा, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। ताइवान के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अपने देश की सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा सुरक्षा की स्थिति लगातार अस्थिर और अनिश्चित बनती जा रही, चीन अपनी सेना का युद्ध प्रशिक्षण मजबूत करेगा। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के अनुसार चीनी राष्ट्रपति ने बीजिंग में केंद्रीय सेना आयोग के संयुक्त अभियान कमांड सेंटर के दौरान यह आदेश दिया। नोटबंदी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, अब 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार ने 2016 में की थी नोटबंदी, इसके तहत देश में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को रद्द करने का फैसला लिया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मंत्री गोविंद विलियम्स पर लगा सहयोगियों को धमकाने का आरोप, कैबिनेट से दिया इस्तीफा, प्रधानमंत्री सुनक ने इस्तीफे को किया मंजूर, कहा मैं समझ सकता हूं कि विलियम्सन ने यह फैसला क्यों लिया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार का विधायकों और विधान पार्षदों को बड़ा तोहफा, MLA और MLC का वेतन भत्ता बढ़ाया, 30,000 तक बढ़कर मिलेगी विधायकों को सैलरी। झारखंड के रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने जमा किया 17 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स, ऐसा करने वाले झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने धोनी।
खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत आज।